देखो भाई, आप एक ही ई सिटी मैक्स है भैया के पास, और पूरी गाड़ी देख लो आप यार। बाहर से दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए चकाचक पैसा लगा रखा भैया ने, 18,000 रुपये में पूरी मॉडिफिकेशन करवाई है। ये देखो भाई, अंदर भी पूरा का पूरा जल्लर वल्लर, ये लाइट वाइट, ओए होए गदर, क्या बात है भाई साहब। और भाई घर से ऑर्डर आ गया है कुछ बर्तन लेने के लिए, धनतेरस का दिन है तो बर्तन की दुकान पे आ गए, कुछ खरीदारी करनी है। मैडम ने बोला या तो कोई चाय पीने वाले कप का सेट ले आना या फिर कोई तांबे का बर्तन, तो देखते हैं कितने पैसों में मिलता है। तो हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 7:30 बजे नादो के रेडी हो चुके, निकल रहे हैं मथुरा जंक्शन के लिए। और दोस्तों जैसे ही नादो के रेडी हो, सुबह सुबह मैडम ने टेंशन दे दी कि दिवाली आ रही है, पैसे दे दो। तो एक बहुत पुराना डायलॉग था, मैं एक टीवी प्रोग्राम में देखा करता था और मौका ढूंढ रहा था कभी ये डायलॉग बोलने का मौका मिले, तो आज आपको सुना देता हूँ। मैडम बोली पैसे दो, दिवाली आ रही है। तो मैंने बोला जेब पर ही है खाली, काहे का दशहरा, काहे की दिवाली, जेब में नहीं है पैसे, कल EMI भर के आया हूँ, और वो भी भाई कर्जा लेके, मैडम से लिया था, मैडम ही पैसा मांग रही है। तो मैंने कहा तेरे से ही तो पैसे लिए थे यार, पैसे आए कहाँ से, बहुत बुरी स्थिति है यार। और हाँ भाई, आज धनतेरस है, तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी तो फाट पड़ी हुई है, आई होप कि आप लोगों की अच्छे से मन रही होगी। चलिए निकलते हैं यहाँ से, नया दिन नया ब्लॉग शुरू करते हैं। और ये हमारी भतीजी टिल्लू, गुड मॉर्निंग बोलो सबको, गुड मॉर्निंग। स्कूल जा रही है, छुट्टी ना भाई? और ये आ गई खुशी पीछे से, हेलो। सुबह सुबह ये भाई साहब पूरा मुंह बिगाड़ रखा है इसने कलर से, निकले। और यार मौसम दिखाता हूँ आपको, आज मौसम बहुत अजीब हो रखा है भाई। सुबह सुबह से हवा चल रही है, बादल हो रखे हैं, कहीं बारिश ना आ जाए। यहाँ से निकलते हैं, कुछ कमाने की कोशिश करते हैं। दिवाली है भाई, धनतेरस हो ही चुकी है, कल छोटी परसों बड़ी, 5 दिन का लगातार त्यौहार पड़ता है, सबसे बड़ा त्यौहार होता है, सबसे ज़्यादा खर्चा वाला भी। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, मथुरा जंक्शन पहुँचे, कुछ कमाने की कोशिश करते हैं। ये देखो तेज़ हवा चल रही है भाई, और पूरा का पूरा बादल घिरा हुआ है। ये अभी कोई लाइट वालों ने लाइट बंद नहीं किया, जली हुई है, पूरा अंधेरा सा हो रखा है गली में, और हवा चल रही है ठंडी ठंडी। ओहो हो, ये देखो कितनी तेज हवा चल रही है, कहीं बादल ना आ जाए। तेज हवा चल रही है भाई, खुशी घर में रहे, ठंड लग जाएगी, बीमार रह जाएगी भाई। घर में और गली में आपको शायद अंदाजा नहीं हो रहा होगा मौसम का, ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो रखी हो, बहुत तेज हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और हमारे देश का देखिए तिरंगा भाई, पूरा का पूरा साज लहरा रहा है आज मथुरा जंक्शन के ऊपर, बहुत ठंडा मौसम हो गया यार। जंक्शन पर कुछ ज्यादा ही भीड़ लग रही है, घर से निकला था तभी मौसम बिगड़ा हुआ था, बहुत तेज हवा निकल रही थी, चल रही थी सॉरी। और यहाँ आते आते ये देखो भाई, बारिश होना शुरू हो गई है, अभी बहुत ज्यादा तेज तो नहीं है, पर अगर खड़े रहोगे ज्यादा देर तो भीग जाओगे, इतना जरूर है। ऊपर से हवा चल रही है, सर्दी जुकाम का मौसम चला हुआ है, गाड़ी में चुपके बैठे हुए भाई, जो आएगा आ जाएगा, खामा खाम में भीग के बीमार नहीं होना त्योहार के टाइम पे यार। अरे सवारियां तो निकल रही हैं, जल्दी से कोई पकड़ लेते हैं, मिलेगी तो बताऊंगा आपको, तब तक गाड़ी में बैठते हैं। देखिए पूरा का पूरा ग्लास पानी से भीग गया है, जमीन में भीगी हुई दिखेगी आपको, तो मौसम बिगड़ गया भाई आज। भाई साहब बहुत अच्छा हुआ घर से निकलते हैं, ये गर्म वाली हाफ बाजू की जैकेट सी लेके आया था, जब घर से निकलना तेज हवा चल रही थी, ठंडा मौसम था, तो इसको लेके आया था, ठंड लगी तो पहन लूंगा। अब स्टेशन पर सारे के सारे कोकोड़ रहे ठंड की वजह से, और आपका भाई चैन से है भाई। हाँ यार जब है कपड़ा तो पहनने में क्या बुराई है, देखो सबके सबके बाजू अंदर है, कोई गुड़ी मार के घूम रहा है। ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है तुमको भाई? यार टोपा वगैरह लगा के सेट आए लेता जी, टोपा वोपा लगा के आए मस्त, सर्दी का मौसम है भाई। पहन के आ गए हमारे पंडित जी, कुछ नहीं पहन के आए बेचारे, दोनों आके दोनों हाथ जेब में दे रखे। ओए मौसम ठंडा कर दिया आज भाई, एक ही दिन में मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है भाई, मौसम आनंद आ रहा है, आनंद लो तो, काम तो है नहीं भाई, सुबह जब से आए खड़े हुए 1 रुपए का काम नहीं किया।
अभी तो आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है बस। भाई आज काम नहीं है, देखो ड्राइवरों की मस्ती चल रही है। भैया खूब जबरदस्त धनतेरस मन रही है, सुबह से लेके अब तक 200 रुपए कमाए, पब्लिक गायब है, कोई भी पैसे खर्च नहीं कर रहा, अपन लोग का घर कैसे चलेगा। और भाई हाँ यार, कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं ऑटो रिक्शा या इलेक्ट्रिक वाले इनमें मॉडिफिकेशन कैसे करवाएं। एक हमारे भाई साहब हैं राधे राधे, भैया ने भाई फटे पैसा लगा रखो है, चक्के एकदम चकाचक पूरी मॉडिफिकेशन करवा रखी है। कितने पैसे लगा दिए भैया इसमें? 18,000 रुपए लगाए भाई। थोड़ा सा बैक कैमरे से दिखाता हूँ कितनी जबरदस्त बना रखी है गाड़ी। देखो भाई आप एक ही E-City Max है भैया के पास, और पूरी गाड़ी देख लो आप यार, बाहर से दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए चकाचक पैसा लगा रखा भैया ने, 18,000 रुपए में पूरी मॉडिफिकेशन करवाई है। ये देखो भाई अंदर भी पूरा का पूरा जल्लर वल्लर, ये लाइट वाइट, ओए होए गदर, क्या बात है भाई साहब, या कह मैं भाई पैसा लगा के मजे ले लो। हैं इधर भी है, ये देखो भाई ये, और पीछे भी है, पीछे भी है, गजब कर रखी है भाई साहब ने गाड़ी। भाई 18,000 रुपए तो लगाओ, मजा ही आगो भैया। कहाँ पे करवा के लाए हुए? आगरा करवाई है। अच्छा आगरा से मॉडिफाई करवा के लाए भाई। डैग वैग भी है हमें देखा, सुनाओ यार भैया कैसा डैग है? हाँ अंदर भी है जो लाइटिंग वगैरह सब कुछ है, पीछे से भी देख लो भैया। ये देखिए पीछे खाटू श्याम जी है, बम्पर बम्पर सब कुछ पूरा डिजाइनर। अभी डैग और चलवा के दिखाते हैं भैया का, ये इलेक्ट्रिक वाला टेम्पू है आप एक, गजब भी बना रखी है भैया। अभी देख लो भाई ऊपर भी लगे हुए जो कारों में लगे रहते हैं सामान रखने के लिए, टेम्पू क्या विशेष मस्त बना रखी है भैया। अंदर डैशबोर्ड है, सब चीज है, इधर डैशबोर्ड भी लगा रखा है, ये देखिए। डैग पेटी सब कुछ है इसमें, या मैं ये लाइट फिटिंग होगा ये लगवाइए, आगरा में। सुमित भाई ऐसी बनवाओ गाड़ी यार, सही बात है यार, शौक बड़ी चीज है। पूरे ये पाइप पुराने वाले हटवा के स्टील के लगवा रखे हैं, पीछे लाइटिंग ये बड़ी जबरदस्त लग रही है, जब रात को जलती होगी मजा देती होगी भाई। देखो लाल लाल पीली है, कलर यहाँ में तीन चार, तीन कलर है हरे नीले। आगे से दिखा दी है मैंने, अरे इसमें भी लाइट जल रही है भाई। तो भाई धनतेरस के दिन सुबह के टाइम में तो काम कोई खास था नहीं, दोपहर हो गया था तो घर आ गया, खाना पीना खाया, आराम किया, ब्लॉग एडिट किया, सब कुछ करने के बाद दोबारा से शाम के टाइम में निकला हूँ। अभी 3 बजे हुए, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ हूँ, लगभग 2 घंटे पहले जा रहा हूँ जो रोजाना के टाइम से। और मेरी तीनों भतीजियाँ गाड़ी में खेलने लगी हुई हैं, मजबूरी है, इनको तो गली के बाहर तक घुमाना ही पड़ेगा, इनको घुमाता और सीधा मथुरा जंक्शन पहुंचता हूँ। जब ऐसे में दोपहर के टाइम में जब मैं आया था ना, धीरे धीरे काम निकलना शुरू हो रहा था, तो उम्मीद है कि अब आज से छुट्टियाँ पड़ गई है, धनतेरस हो गई है, तो लोग निकलेंगे शाम के टाइम में, कुछ ना कुछ काम जरूर मिलेगा, तो निकलते हैं यहाँ से और इन भतीजियों को छोड़ता हूँ घुमा के यहाँ पहले, फिर निकलता हूँ मथुरा जंक्शन के लिए। आपको आवाज़ तो आ रही होगी, ये देखो सीधी बैठ जाओ, लग जाएगी चोटे काट के। भाई क्या आतंक मचा रखा है मेरी गाड़ी में इन लोगों ने, चलो 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 सीधी बैठो, सीधी कहीं नहीं ले जाऊंगा फिर मैं, भगाऊंगा भी, सीधी बैठो।
देख देख चोट लग गई भाई। मारना नहीं चटका दूंगे का परेशान कर लेती हूँ भाई। तो भाई अपनी भतीजियों की शरारत झेलने के बाद निकल के आ गए मथुरा जंक्शन के लिए और ये है धौली प्याऊ। और भाई आज की धनतेरस है तो पूरी मार्केट आपको आज भरी हुई दिखेगी। आप किधर भी चले जाओ मथुरा के किसी भी कोने में किसी भी मार्केट में हर तरफ को लोग ही लोग दिखेंगे। आज खरीदारी का दिन है, धनतेरस है भाई। सबसे ज़्यादा रौनक जो मिलेगी आपको बर्तनों की दुकान पर मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि बर्तन सोने चांदी के गहने खरीदना हो तो धनतेरस से अच्छा दिन कोई नहीं होता। पूरी मार्केट भरी हुई है भाई। ये देखिए जिस तरफ को नजर दौड़ाएंगे उस तरफ यही भीड़ मिलेगी आपको। ये बर्तनों की दुकान है, सबसे ज्यादा भीड़ बर्तनों पे ही मिलेगी। आज लग रहा है कि हाँ दिवाली आ गई है। हाँ तो भाई सबसे पहले तो मेरा लुक देख लो, ये हमारा देसी लुक है क्योंकि बारिश हो रही है, ठंड लग रही है तो साफ ही मैंने गले की जगह सर पे बांध लिया और इसी काम में आती है। और भाई घर से ऑर्डर आ गया है कुछ बर्तन लेने के लिए। धनतेरस का दिन है तो बर्तन की दुकान पे आ गए, कुछ खरीदारी करनी है। मैडम ने बोला या तो कोई चाय पीने वाले कप का सेट ले आना या फिर कोई तांबे का बर्तन, तो देखते हैं कितने पैसों में मिलता है। और भाई सुबह जब घर से निकले थे सोचे थे धनवर्षे का बंसी वाला कुछ धन कम आएगा, ऊपर वाले ने खाली पानी बरसा के काम चला दिया। चलो देखते हैं कुछ मिल जाएगा। देखो भाई थोड़ी देर पहले तक काफ़ी भीड़ थी, बारिश ने पूरा का पूरा मामला बिगाड़ दिया हमारा भी और दुकानदारों का भी, तो वो रौनक नहीं है, देख लेते हैं भाई कुछ। हाँ तो जी दोस्तों भाई फाइनली मुझे ब्लॉग एंड करने का मौका मिल गया है क्योंकि जब मैं घर पे आया था ना भाई लाइट नहीं थी, आपको सबको बता ही रखा है। सुबह जब से जगे तभी से रह रहे के बारिश हुई है। आज दिन में कम से कम 4 से 5 बार बारिश रुक गई, मौसम ऐसा लगा कि साफ होने वाला, फिर दोबारा आई तो शाम को भी लगभग 4 बजे के करीब एकदम मौसम क्लियर हो गया था, ऐसा लग रहा था बिल्कुल ठीक है। 4 बजे के करीब में मेरे को सवारी मिल गई थी दाऊजी की, दाऊजी से वापस आते आते फिर दोबारा मौसम बिगड़ गया, फिर से बारिश होने लगी। तो भाई लगभग 1 घंटा मुझे घर आए हुए हो चुका है लेकिन लाइट नहीं थी तो तब से इंतजार कर रहा था और अभी अभी लाइट आई है, तुरंत दोबारा से लेट खाट में लेट गया था मैं, दोबारा से खड़ा हुआ ब्लॉग एंड करने के लिए। आज की धनतेरस थी, मैंने सुबह जब घर से निकल रहा था तभी भी आपको धनतेरस के लिए शुभकामनाएं दी थी। एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से मेरे परिवार की तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भगवान करे भाई लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पे बरसे और जो तरक्की आपने इस साल में की उससे और दुगुनी दुगुनी दिन दुगुनी रात चौगुनी हो। आज हमारी मैडम का भी ऑर्डर आ गया था जब मैं घर आ रहा था कि घर पे कुछ लेते हुए आना, तो सबसे पहले तो ये दिखाता हूँ मैं क्या लाया हूँ। ये देखो भाई ये मैडम ने कहा था कि चाय पीने वाले कप का सेट ले आना, वो भी स्टील के गिलासों वाला, तो एक पन्नी से बाहर निकालता हूँ मैं। ये वाले कप लाया था, कैसे लग रहा है आप बताइएगा। और भाई मैडम बोल रही है कि तुम महंगे ले आए हो, तुम्हें ठग लिया है। ये मुझे 390 रुपये का सेट दिया उसने, बहुत भीड़ थी यार, नंबर ही नहीं आ रहे थे। पहले एक दुकान पे गया वहाँ मिले नहीं, फिर दूसरी पे गया, दूसरी पे जाके मेरे को एक कप मिले थे। तो एक जो होता है ना कहते हैं वो नेग वाला सिस्टम या सोन सकट वाला, वो हो गया है। झाड़ू आती है वो मम्मी ले आई है, मैडम भी कुछ लाई थी, झाड़ू लाई थी मैडम, हमारी गीता मैडम भी झाड़ू लाई थी लेकिन बर्तन वगैरह कुछ आ नहीं पाया था तो मैं ये गिलासों का सेट ले आया। आप में से कभी कोई मिलने आता है घर पे या कोई रिश्तेदार वगैरह आता है तो उसको चाय देने के लिए एक नया सेट आ गया। वैसे पुराने वाले भी हैं जो चीनी मिट्टी वाले कप होते हैं वो भी हैं, अभी एक नया आइटम और आ गया है तो जो भी हाथ में पड़ जाए उसमें कर और दे दो। घर में ऐसी चीज़ें दो चार होनी चाहिए थोड़ी सी चेंज के लिए कि कभी किसी गिलास में दे दिया कभी किसी कप में, तो एक और नया आइटम जुड़ गया। तो आप लोगों का इंतजार है, कोई भी आए घूमने तो भाई इली कप में चाय पिला दूंगा आप लोगों को। फिलहाल 9:30 बज चुके हैं, 9:30 बजे घर आया था, 1 घंटे से लाइट ही नहीं थी। वैसे बारिश फिलहाल तो रुकी हुई है, गाड़ी मैंने चार्जिंग पर लगा दिया, छोटू को बोल दिया मंकू को प्लग लगा देना चार्ज हो जाएगी और कल सुबह थोड़ा सा जल्दी निकलने की कोशिश करूंगा। आज धनतेरस थी, उम्मीद थी काम निकलेगा पर दिवाली का टाइम आ चुका है, बाजारों में रौनक दिख रही है लेकिन मार्केट में जो काम निकलने का सिलसिला होता है अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुँचा है जैसा होना चाहिए। तो हल्का ही दिन रहा मेरा, कोई खास ज़्यादा बढ़िया बहुत ज़्यादा कमाने का मौका नहीं मिला, पर इतना है कि ज़्यादा नहीं तो घर का खर्चा और बिजली का खर्चा जो गाड़ी चार्ज होती है वो निकल आया। फिलहाल
10:30 हो चुके हैं, थका हुआ हूँ, तो इस ब्लॉक को कर देते हैं एंड। आज का दिन पैसे बरसने की जगह बारिश बरसी है, वो भी पानी के रूप में। भीग गया था और पूरा पूरा ठंड लग रही थी, तो भाई जो स्वाफी डाल के ले जाता हूँ गले में वो सर पे बांधनी पड़ गई, हवा लग रही थी बहुत तेज ठंडी वाली। चलिए आराम करते हैं, इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। चलिए कल मिलते हैं छोटी दिवाली को, बाय बाय।